आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक एड्स, है ना। सो टैक्सोनॉमिक एड्स, AIDS ऐसा वर्ड है। वो एड्स एक डिसीज है। ये एड्स का यहां पर मीनिंग होता है टूल्स एंड टेक्निक। एड्स का मीनिंग क्या होता है? टूल्स एंड टेक्निक्स, ध्यान में रखने का, टूल्स एंड टेक्निक्स। और हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। ठीक है। तो टूल्स का यहां पर एड्स का मीनिंग हो रहा है टूल्स एंड टेक्निक्स और प्रोसीजर्स एंड टेक्निक। तो टैक्सोनॉमिक एड्स मतलब टैक्सोनॉमी ऐसी ब्रांच है, द बेसिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। करने वाली जो बेसिक ब्रांच है उसको अपन बोलते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ टैक्सोनॉमी। अब यदि हमको टैक्सोनॉमी को सिस्टेमेटिक वे से स्टडी करना है या कोई भी प्लांट और एनिमल के बारे में हमको यदि कोई सिस्टेमेटिक इन्फॉर्मेशन रखना है तो कुछ प्रोसीजर और टेक्निक्स का हमको यूज करना पड़ेगा। जैसा हम लेबोरेटरी में देखते हैं कि स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किए जाते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर रहे अपन, एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर रहे, है ना। तो हम उसको दो वे से प्रिजर्व कर सकते हैं। एक इसको एज इट इज प्रिजर्व कर सकते हैं और एक ड्राई फॉर्म में भी प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हमको ये पढ़ना है कि टैक्सोनॉमी में यदि अपने को कोई भी प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज की जब चाहे तब यदि अपने को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए तो इसके लिए उसके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू हम उसको सबसे पहले प्रिजर्व करेंगे, रिसर्च लेबोरेटरी बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको साइंटिफिकली स्टडी करेंगे। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम टैक्सोनॉमी में रिसर्च करते हैं तो जैसा हमको एकादी ने बोला कि ये वाला प्लांट का रिसर्च मुझे अभी करना है, तो अब ये प्लांट आप कब ढूंढेंगे जाकर, वो समय लग जाएगा। लेकिन वही आपके अगर रिसर्च लेबोरेटरी में वो अगर प्रिजर्व है तो आप जब चाहे तब उसको क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। यानी हमारा टैक्सोनॉमी का अगर सिस्टेमेटिक स्टडी करना है, हमको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टेमेटिक स्टडी करना है, कोई भी प्लांट और एनिमल स्पीसीज को अगर एक पर्टिकुलर वे से आइडेंटिफाई करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, उस पर रिसर्च करना है, उस पर कोई कंक्लूजन देना है, उसका कोई कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए हमें डिफरेंट टैक्सोनॉमिक टूल्स एंड टेक्निक्स और प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स और एड्स, दे आर वेरी वेरी यूजफुल, है ना। तो आप इसमें अपन पहला टैक्सोनॉमिक एड्स जो है वो पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बोटैनिकल गार्डन्स। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? बोटैनिकल गार्डन्स। अब बॉटनी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट प्लांट फॉर्म, है ना, अलग अलग प्लांट फॉर्म का स्टडी करना, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बॉटनी बोलते हैं। अब प्लांट के तीन फॉर्म है, एक मैं बताता हूँ दैट इज अ श्रब्स, है ना, एक मैं बता रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज हर्ब्स,
और एक मैं बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज ट्रीज. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए प्लांट डिपेंडिंग ऑन द हाइट है ना. तो ये प्लांट के तीनों फॉर्म है. अब अपने को यदि कोई भी लिविंग स्टेट में अगर प्लांट का स्टडी करना है तो सबसे पहले वो प्लांट को अपने को ग्रो करना पड़ेगा. टू ग्रो मीन्स टू कल्चर है ना. टू ग्रो के लिए जो वर्ड है बायोलॉजी में कौन सा है, टू कल्चर. तो सबसे पहले चाहे श्रब हो, चाहे हर्ब्स हो, चाहे ट्रीज हो, इस पर अगर एखादे टैक्सोनॉमिस्ट को रिसर्च करना है तो उसको लिविंग स्टेट में अगर उस प्लांट को देखना है तो एक गार्डन डेवलप करेगा. एंड दैट गार्डन इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, बोटैनिकल गार्डन्स. यानी बोटैनिकल गार्डन्स यानी ये एक ऐसी जगह है जहां पर अपन नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज को ग्रो करेंगे और उसका लिविंग स्टेट में स्टडी करने के लिए, रिसर्च के लिए जो यूज होगा उस टैक्सोनॉमिक एड्स को अपन क्या बोलते बेटा, दैट इज कॉल्ड एज बोटैनिकल गार्डन्स. फॉर एग्जाम्पल नेशनल बोटैनिकल गार्डन प्रेजेंट इन लखनऊ. तो हमारे पास में नंबर ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स दे आर प्रेजेंट इन इंडिया इसकी लिस्ट दी हुई है. तो वो लिस्ट में जो है वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जैसा नेशनल बोटैनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है वो, तो आपको वो प्लेस पता होना चाहिए या वो प्लेस का नाम दे देगा. आपको पूछेगा कि यहाँ पर कौन से नाम का बोटैनिकल गार्डन है, यानी बोटैनिकल गार्डन क्या रिप्रेजेंट करता है. बोटैनिकल गार्डन ये रिप्रेजेंट करता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ बॉटनी, वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ डिफरेंट प्लांट फॉर्म. और प्लांट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है. दे आर कॉल्ड एज, उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. यानी हम अगर इकोसिस्टम में एनर्जी साइकिल या फूड साइकिल अगर देख रहे हैं तो सन की लाइट एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करने वाला कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. यानी कोई भी प्लांट फॉर्म के बारे में अगर हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसा मुझे मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है तो मैं अपने इमेजिनेशन से स्टडी करूँगा क्या, नहीं. मॉर्फोलॉजी यानी क्या, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल विजिबल फॉर्म. जो मुझे नेकेड विजिबल आईज से दिख रहा है मैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलूँगा. जैसा रूट की मॉर्फोलॉजी, स्टेम की मॉर्फोलॉजी, लीफ की मॉर्फोलॉजी, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, फ्रूट की मॉर्फोलॉजी, सीड की मॉर्फोलॉजी. यानी मैं नेकेड विजिबल आईज से इसको ऑब्जर्व करने के बाद में मैं एग्जैक्ट बात बता पाऊंगा. लेकिन मुझे अगर किसी ने बोला कि आप मॉर्फोलॉजी को इमेजिन करके लिखो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. बिकॉज अगर हम साइंस में प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं बताते या नहीं सोचते हैं तो थियरी हम पुट फोर्थ नहीं कर सकते. यानी साइंस में पहले प्रैक्टिकल आया और बाद में थियरी आई. हम सब थियरी पढ़ते ये बात अलग है, लेकिन थियरी का ओरिजिन कौन है, प्रैक्टिकल. मुझे अगर बोला कि ये एखादे प्लांट का रूट है तो टैप रूट है कि एडवांटेजियस रूट है मुझे बताना पड़ेगा. एखादे ने स्टेम बोला तो वीक स्टेम है कि स्ट्रांग स्टेम है ये बताना पड़ेगा. एखादे ने लीफ पूछा तो सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है ये मुझे बताना पड़ेगा. एखादे ने फ्लावर पूछा तो बाइसेक्सुअल है, परफेक्ट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है ना, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट. यानी अगर मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ या मुझे सचमुच अगर प्रैक्टिकली स्टडी करना है डिफरेंट प्लांट के फॉर्म तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको मैं क्या बोलूँगा, बोटैनिकल गार्डन्स. दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आपके किताब में नंबर ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिया इसके नाम आपको ध्यान में रखने का है. और बोटैनिकल गार्डन पर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपने को ये मीनिंग समझने को ना कि व्हाई द बोटैनिकल गार्डन्स दे आर इस्टेब्लिश, बोटैनिकल गार्डन्स को क्यों इस्टेब्लिश किया गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स. क्योंकि बोटैनिकल गार्डन्स में हम प्लांट को ग्रो कर रहे लेकिन हमारे सुपरविजन में कर रहे. हमने प्लांट लगा दिया ना उसको छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड एज ओपन फील्ड ग्रोइंग बोलेंगे उसको. जैसे हम खेत में करते हैं
खेत में भी हमको ध्यान देते तब हमको प्रोडक्टिविटी होती। अगर हमने सिर्फ खेत में सोइंग कर दिया सीड का और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने को ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। एग्रीकल्चर इज सच अ काइंड ऑफ बिजनेस, वी रिक्वायर द कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन की उसमें ज़रूरत है। तो बोटेनिकल गार्डन में हम हमारे सुपरविजन में प्लांट को ग्रो कर रहे, जो प्लांट को ग्रो करना चाहेंगे वो प्लांट को ग्रो करेंगे। कौन से प्लांट को ज़्यादा लाइट लगता है वो अलग रखेंगे, कोई किसको शेड लविंग प्लांट है उसको हम अलग रखेंगे, कौन ज़्यादा हाइट पर ग्रो हो सकता उसको उस वैसा तरीके से लगाएंगे, उससे नीचे कौन से लगाने, उसके नीचे कौन से लगाने, मतलब डिफरेंट लेयर्स ऑफ फार्मिंग। तो वो फार्मिंग एक अलग हो गया, वो एग्रीकल्चरल फार्मिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर भी अपने को जो प्लांट्स को लगाना है वो प्लांट्स को हम बोटेनिकल गार्डन्स में लगा सकते हैं। अब ये हो गया लिविंग प्लांट के बारे में। अब अपने को यदि प्लांट मटेरियल को अपन ड्राई कर रहे समझो एंड प्रिजर्व कर रहे, सो दे आर कॉल्ड एज अ ड्राई बोटेनिकल गार्डन। एंड ड्राई बोटेनिकल गार्डन के लिए एक दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड्स है, एंड दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हर्बेरियम। क्या बोलेंगे उसको, है हर्बेरियम। और उसके लिए जो प्लूरल वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज हर्बेरिया, हम उसको क्या बोलेंगे, हर्बेरिया। सो हियर देर आर टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड एज हर्बेरियम द प्लूरल वर्ड, एंड हर्बेरियम इज अ सिंगुलर वर्ड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई गार्डन, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई गार्डन बोलेंगे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई बोटेनिकल गार्डन, ड्राई बोटेनिकल गार्डन। अब समझो मुझे, ठीक है, मैं अगर बोटेनिकल गार्डन में मैं प्लांट को ग्रो कर रहा, एंड बाय द वे अगर मुझे प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहे मेरे से, क्योंकि प्लांट को ग्रो करना बोले तो सॉइल अच्छी बनाने से लेके एटमॉस्फियर, वाटर, सन की एनर्जी, है ना, गैसेस का स्टडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी, सॉइल का स्टडी, सब कुछ लगता, तब जाकर हम अच्छे से प्लांट ग्रो कर पाएंगे। सपोज हम अनेबल हो गए प्लांट ग्रो करने में, तो फिर हमारे पास में कोई प्लांट स्पेसिमन को प्रिजर्व करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? यस, वी हैव दैट ऑप्शन, वी हैव दैट ऑप्शन, एंड दैट इज कॉल्ड एज हर्बेरियम, और दैट इज कॉल्ड एज हर्बेरिया, और ड्राई गार्डन, और दैट इज कॉल्ड एज ड्राई बोटेनिकल गार्डन। तो इसमें क्या किया जाता, हर्बेरियम शीट यूज की जाती। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, हर्बेरियम शीट, ध्यान में रखने का, वी आर गोइंग टू यूज द हर्बेरियम शीट, है ना। अब इस पर भी उसमें उसने क्वेश्चन लिए है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर एक क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे MSCET हो या नीट हो, इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो इस हर्बेरियम शीट की जो लेंथ रहेंगी वो 11.5 इंच रहेंगी, दैट इज द लेंथ ऑफ हर्बेरियम शीट, उसको हम लेंथ बोलेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं 11.5 इंच जो है वो लेंथ रहेंगी इसकी साइज, और 16.5 इंच जो है वो इसकी ब्रेड्थ रहेगी। सो दिस इज अ साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, सो साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज 11.5 इंच टू 16.5 इंच, है ना। अब कोई भी मटेरियल है, जैसा प्लांट मटेरियल को मुझे अगर हर्बेरियम बनाना है प्लांट मटेरियल का, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स, है ना, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते। तो पहला स्टेप्स मैं लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। सबसे पहले मुझे जो है उस प्लांट का जो मटेरियल कलेक्ट करना है। अब मैं किसको, कौन सा प्लांट मटेरियल लेना चाहता हूँ, रूट लेना चाहता हूँ, स्टेम लेना चाहता हूँ, लीफ लेना चाहता हूँ, फ्लावर लेना चाहता हूँ, सीड लेना चाहता हूँ, या फ्रूट लेना चाहता हूँ, उसको मुझे पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। सो कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द हर्बेरियम कलेक्शन, इन द हर्बेरियम कलेक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल, ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल। मैंने पहला बताया कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, सेकंड मैं बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल। अब मुझे क्या करना है, जिसकी हर्बेरियम शीट मुझे बनाना है, जैसा लीफ की हर्बेरियम शीट बनाना है, तो मैं लीफ को ड्राई करूँगा। अब हमको अगर ड्राई करने करा
तो मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सी है ड्राइंग के लिए आपके अनुसार? मतलब अगर मुझे लीफ ड्राई करना है या रूट ड्राई करना है, सन, सो सन इज द अनलिमिटेड एंड अनएंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सन में जो भी चीज ड्राई होंगी वो अपनी नेचुरलिटी को नहीं खोएगा, उसका डीनेचुरेशन कभी भी नहीं होगा। मतलब सन की जो रेडिएंट एनर्जी है वो हमारे नेचुरलिटी को, बायोलॉजिकल मटेरियल के नेचुरलिटी को एज इट इज रखती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल जनरली कैसा करूँगा, सन ड्राइंग करूँगा। क्या करूँगा? सन ड्राइंग करूँगा। उसके बाद में मैं करूँगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिंग करूँगा, प्रेसिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल को मैं क्या करूँगा बेटा, प्रेस करूँगा, प्रेसिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। ये हो गई तीसरी स्टेप। अब इसमें चौथी जो स्टेप है, दैट इज अ पॉइजनिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉइजनिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, यानी क्या पॉइजनिंग कर रहा, मतलब मैं क्या कर रहा उसको, टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड का स्प्रे डाल रहा, स्प्रेइंग कर रहा, ताकि उसमें अगर कोई एखादा टॉक्सिक मटेरियल होगा या लिविंग मटेरियल होना तो वो मर जाने को ना, नहीं तो सारा जो प्लांट का जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट को कंज्यूम कर डालेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉइजनिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, है ना। उसके बाद में जो पांचवें नंबर की स्टेप रहेगी, दैट इज अ माउंटिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। माउंटिंग ऑफ प्लांट मटेरियल यानी फिक्सिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, जिसको मैं बोलूंगा दैट इज कॉल्ड एज माउंटिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, है ना। उसके बाद में मैं करूंगा उसको स्टिचिंग करूंगा, स्टीचिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। ध्यान में रखने का, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन। आइए बेटा, हाँ बैक जो द सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ हर्बेरियम शीट या फॉर्मेशन ऑफ हर्बेरियम शीट के इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से है, इसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो पहला वर्ड ध्यान में रखने का कलेक्शन, प्लांट मटेरियल तो कॉमन हो गया। दूसरा वर्ड ध्यान में रखने का ड्राइंग। तीसरा वर्ड क्या बोलेगे अपन, प्रेसिंग। चौथा हम कौन सा बोले बेटा, पॉइजनिंग। पांचवा मैं बोल रहा माउंटिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। छठवा मैं बोल रहा हूँ, छठवां मैं बोल रहा हूँ स्टिचिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। सातवां है लेबलिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, लेबलिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, लेबलिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। और आठवां रहेगा दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। तो इस तरीके से मैं हर्बेरियम शीट बना सकता हूँ। मतलब मुझे कोई भी अगर प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेन को यदि अगर ड्राई फॉर्म में प्रिजर्व करने का रहेगा, तो आई एम यूजिंग द टैक्सोनॉमिक एड्स एंड द नेम ऑफ दैट टैक्सोनॉमिक एड इज कॉल्ड एज हर्बेरियम शीट और हर्बेरियम। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व इन द हर्बेरियम शीट फॉर्मेशन। पहला कौन सा बोला, कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। दूसरा कौन सा बता रहा बेटा, ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल। तीसरा मैंने कौन सा बताया, प्रेसिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। चौथा मैं कौन सा बता रहा हूँ, पॉइजनिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। पांचवा मैंने कौन सा बताया, माउंटिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। छठवा मैं कौन सा बता रहा हूँ, स्टिचिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। सातवा कौन सा बताया, लेबलिंग ऑफ प्लांट मटेरियल। और आठवा कौन सा बता रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हर्बेरियम शीट फॉर्मेशन और हर्बेरियम एज अ टैक्सोनॉमिक एड्स। यानी प्लांट को हमको प्रिजर्व करने के लिए दो टेक्निक है, एक तो आप बोटेनिकल गार्डन में आपके सुपरविजन में उस प्लांट को ग्रो करो, नहीं तो आप उसके मॉर्फोलॉजिकल पार्ट को ड्राई फॉर्म में स्टोर करके रखो, फिक्स करो हर्बेरियम शीट पर, और उस हर्बेरियम शीट को आप जब चाहे तब यूज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी दो अलग अलग
पॉइंट यहां पर मैंने बताया। अब तीसरे पॉइंट के तरफ मैं चलता हूं। नाउ थर्ड दैट इज अ टैक्सोनॉमिक एड्स एंड दैट इज कॉल्ड ए जूलॉजिकल पार्क, है ना। जैसा बोटेनिकल गार्डन है सेम वे में क्या है जूलॉजिकल पार्क, यानी एक लिविंग प्लांट फॉर्म को अपन ग्रो कर रहे हैं अपने सुपरविजन में। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, वाइल्ड एनिमल, मतलब जो भी वाइल्ड एनिमल्स को, जो भी वाइल्ड एनिमल्स को अपन ये करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं उस पर, उसके बारे में हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सिमिलैरिटी विद अदर ऑर्गेनिज्म, उसका डिफरेंसेस विद अदर ऑर्गेनिज्म, अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं तो वी आर यूजिंग द जूलॉजिकल पार्क्स, वी आर यूजिंग द जूलॉजिकल पार्क्स। हम किसको यूज करेंगे बेटा, जूलॉजिकल पार्क्स को यूज करेंगे। सो रेयरिंग और ग्रोविंग ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स अंडर आवर सुपरविजन, लेकिन अपने को मेंटेन क्या करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट मेंटेन करना है। जैसा शेर को तुमने अगर पकड़ के रख दिया एक रूम में तो शेर रहेगा क्या, नहीं। उतना बड़ा पार्क आपको बनाना पड़ेगा, मतलब जैसा वो जंगल में रहता है वैसा इन्वायरमेंट, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट आपके सुपरविजन में क्या करना पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा, तब वो जूलॉजिकल पार्क में हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स को हम स्टडी कर सकते, रिसर्च कर सकते, टैक्सोनॉमिस्ट जो है उसको सिस्टमेटिक वे से स्टडी कर सकता। सो दे आर कॉल्ड एज जूलॉजिकल पार्क्स। तो आपके किताब में लिस्ट ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स दिए हुए हैं, अलग अलग जूलॉजिकल पार्क्स है, जैसा ताड़ोबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ जूलॉजिकल पार्क इन द विदर्भ रीजन, चंद्रपुर नियर टू चंद्रपुर, है ना। ऐसे कई प्रकार के जूलॉजिकल पार्क्स जो है वो आपको लिस्ट है, तो उस जूलॉजिकल पार्क्स के नाम, है ना, और वो जूलॉजिकल पार्क्स कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब मैं नेक्स्ट इसके तरफ जा रहा हूँ, चौथे टूल्स के तरफ जा रहा हूँ, एड्स के तरफ जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज म्यूजियम। चौथा मैं क्या बोलूंगा बेटा, म्यूजियम। ये समझा यहां तक सभी को। अब नेक्स्ट मैं चौथे टूल्स के तरफ जाना चाहूंगा। सो दैट टूल इज कॉल्ड एज म्यूजियम। तो मैं उसको म्यूजियम ना वर्ड देते हुए मैं उसको नाम दूंगा बायोलॉजिकल म्यूजियम। क्या नाम दूंगा उसको मैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम। आपने देखा क्या म्यूजियम है, उस म्यूजियम, म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल स्पीसीज को ध्यान में रखना, प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज को एक पर्टिकुलर ग्लास जार में क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव लिक्विड। किसके थ्रू, बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव लिक्विड, एंड नेम ऑफ दैट प्रिजर्वेटिव लिक्विड फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, है ना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द प्रिजर्वेटिव। एसिडिक अल्कोहल इज द अनादर एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव लिक्विड। तो इस प्रिजर्वेटिव लिक्विड में कोई भी प्लांट स्पेसीज को और एनिमल स्पेसीज को अपन प्रिजर्व करके रख सकते, वो एज इट इज फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और उसको जो चाहे जाकर आराम से उसको ऑब्जर्व कर सकता, स्टडी कर सकता, उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकता, उसका इम्पोर्टेंस लिख सकता, उसके सिमिलर कैरेक्टर्स लिख सकते, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिख सकते, और उसके बारे में जो है अपन डिफरेंट वे से टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल म्यूजियम। यानी ये ध्यान में रखना कि बायोलॉजिकल म्यूजियम में सिर्फ प्लांट स्पेसीज ही प्रिजर्व नहीं करे जाएंगे, बल्कि एनिमल स्पेसीज को भी प्रिजर्व किया जाएगा। सो दीज आर द फोर इम्पॉर्टेंट, है ना, फोर इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स विच आर यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट टू स्टडी द सक्सेसफुल टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमिस्ट बनना बोले तो कोई मजाक की बात नहीं ना,
टैक्सोनॉमी इज वन ऑफ द टॉप ब्रांच ऑफ बेसिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इवोल्यूशन का स्टडी करना, टैक्सोनॉमी का स्टडी करना, यानी अपन ने पहले बताया था इस अर्थ पर 5 से 30 मिलियन स्पीसीज है, उसमें से अभी तक अपने को 25% भी मालूम नहीं हुए, अभी 75% मालूम होने के है, 75% अभी अपने को मालूम करने के है। तो टैक्सोनॉमिस्ट जो है, मतलब 100 अगर बच्चे रिसर्च कर रहे होंगे या 100 बच्चे यदि स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें से एक आध बच्चा जो है वो टैक्सोनॉमी में इंटरेस्ट लेता। जैसा मैं वायरोलॉजी की बात कर रहा था, है ना, अगर अपने पास में 500 बच्चे रिसर्च कर रहे होंगे तो 5 ही बच्चे वायरोलॉजी में रिसर्च करना पसंद करते। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च में डेडिकेशन लगता, कीन ऑब्जर्वेशंस लगता, हार्डवर्क लगता, पेशेंस लगता, है ना, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस भी उतना ही है। मतलब जो चीज़ अपने को आसानी से नहीं मिलती उसका इम्पोर्टेंस भी उतना ही रहेगा। अगर उसका स्टडी इतना हार्ड है तो उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा, है ना। स्टडी के लिए जो भी चीज़ हार्ड रहती है उसका इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा रहता है, यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ एनीथिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्डनेस। हार्डनेस अगर ज़्यादा है उसका तो उसका इम्पोर्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका इम्पोर्टेंस भी उतना ही ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोलेंगे। तो ये हम जो 4 टैक्सोनॉमिकल एड्स मैंने पढ़ाए, पहला कौन सा पढ़ाया, बोटेनिकल गार्डन, पहला कौन सा पढ़ाया, बोटेनिकल गार्डन। सेकंड कौन सा पढ़ाया बेटा, हाँ, हर्बेरियम, हर्बेरियम। तीसरा कौन सा पढ़ाया, जूलॉजिकल पार्क। और चौथा कौन सा पढ़ाया, बायोलॉजिकल म्यूजियम। बोटेनिकल गार्डन यानी किसको बोलेंगे बोटेनिकल गार्डन, जिसमें कोई भी प्लांट स्पीसीज को अंडर आवर आर्टिफिशियल और सुपरविजन में हम ग्रो कर रहे। क्यों ग्रो कर रहे, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि हमको लिविंग स्टेट में उसको स्टडी करना है। अगर नॉन लिविंग स्टेट में हमको अगर उसको स्टडी करना रहता था तो हम हर्बेरियम शीट बनाते थे, हमको उसको लिविंग स्टेट में स्टडी करना है, ये ध्यान में रखने का, लिविंग स्टेट में स्टडी करना है। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द बोटेनिकल गार्डन्स। उसमें प्लांट के कितने फॉर्म स्टडी करते अपन, 3 फॉर्म स्टडी करते, कौन कौन से, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज, ठीक है, कोई भी श्रब, कोई भी हर्ब्स और कोई भी ट्रीज। और प्लांट लाइफ के इनॉर्मस इम्पोर्टेंस है, इसीलिए बोटेनिकल गार्डन का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। मतलब कोई भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आप अगर देखेंगे तो वहाँ बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन नहीं रहेगा, नेशनल लेवल का, रीजनल लेवल का भी नहीं रहेगा, इंटरनेशनल लेवल का भी नहीं रहेगा, लेकिन एक लोकल लेवल का बोटेनिकल गार्डन जरूर रहेगा। जैसा वर्धा में अगर मैं एखादा बोटेनिकल गार्डन बना रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज लोकल लेवल ऑफ बोटेनिकल गार्डन। मैं विदर्भ लेवल का अगर एखादा बोटेनिकल गार्डन बना रहा हूँ, रीजनल बोटेनिकल गार्डन। मैं इंडिया के लेवल का अगर एखादा बोटेनिकल गार्डन बना रहा हूँ, दैट इज अ नेशनल बोटेनिकल गार्डन। और मैं अगर इंटरनेशनल लेवल का एखादा बोटेनिकल गार्डन बना रहा हूँ, सो दैट इज अ इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ बोटेनिकल गार्डन, लोकल बोटेनिकल गार्डन, रीजनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन एंड इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन। समझ में आ गया, कौन से लेवल पर अपन बना रहे, लोकल लेवल पर बना रहे तो वो, रीजनल लेवल पर बना रहे तो वो, नेशनल लेवल पर बना रहे तो वो, और इंटरनेशनल लेवल पर बना रहे तो वो। लेकिन ये अपना सोशलिज्म, बिकॉज गार्डनिंग इज अ सोशल वर्क, गार्डनिंग इज नॉट अ इंडिविजुअल वर्क। एखादे ने पेड़ लगाए, पानी उसको कोई और डालता, फ्रूट कोई और खाता, उसका एंजॉय कोई और ही लेता, तो वो कोई एक आदमी का काम नहीं ना। अपने फादर ने 10 पेड़ लगाए थे और अपन ने उसको मार डाले, पानी नहीं दिया, तो वो पेड़ आगे बढ़ेंगे क्या भविष्य में, नहीं बढ़ेंगे। मतलब फादर ने जो काम किया था उसको सोशलिज्म किया उन्होंने, तो हमको भी वो सोशल लेवल पर करके अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे तब जाके हम वो चीज़ को कर पाएंगे। अगर हमारे को इंटरेस्ट नहीं रहा, फादर ने लगाए थे 50 झाड़ आम के, लड़के ने रखे 5 झाड़, फादर तो 50 लगा के गए थे, उन्होंने तो 50 झाड़ लगाए थे, लेकिन उसको हमने क्या टेक केयर लिया। फिर कोई भी लाइफ फॉर्म को हैंडलिंग करना
बोले तो उसका टेक केयर लेने जैसा है, मतलब अपन माँ कैसा बच्चे को पालती है उस स्तर पर जाकर सेवा करना पड़ता है। देखो नहीं तो प्लांट लगा के तुमको रियलाइज होगा कितने प्लांट तुमने तुम्हारे लाइफ में लगाए, कितने जिए। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। प्लांट के नंबर क्यों कम हुए? क्योंकि वो हाव हमने नहीं रखा प्लांट लाइफ के बारे में। हम थोड़े प्रोफेशनलिज्म में ज़्यादा चले गए, लेकिन हम ये भूल गए कि प्लांट लाइफ अगर नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे। कौन देगा हमको? कोई देगा क्या ऑक्सीजन? फूड कौन देगा? पैसे मेरे पास बहुत है, फूडत नहीं ना, ऑक्सीजन नहीं रहा है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मैं सीधा ऊपर चले जाऊंगा। अभी अगर ऑक्सीजन बंद हो गया तो मैं सीधा ऊपर चले जाता। इतना इंपॉर्टेंट है रिस्पिरेटरी सिस्टम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर बॉडी की फिजियोलॉजिकल सिस्टम होंगी तो रिस्पिरेटरी, और रिस्पिरेटरी सिस्टम को चला रखो ना ऑक्सीजन, प्राणायाम। यम है वो, प्राण यानी यम, मतलब ऑक्सीजन बोले तो प्राण एन डायरेक्ट यम से जो उसका रिलेशन मिला तो ठीक, नहीं तो यम है ना। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। देखेंगे आप, कोरोना में देखा अपन ने कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, ऊपर चले गए हो, तो आप सोच सकते कि ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस कितना है और ऑक्सीजन को लिबरेट करने वाला लीफ कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज लेकिन हमने डिफॉरेस्टेशन किया, डिफॉरेस्टेशन करने से आज जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, तो इसलिए हमको नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये बोटेनिकल गार्डन के बारे में बताया था। सेकंड बायोलॉजिकल टूल मैंने बताया हर्बेरियम शीट के बारे में, क्या रही थी उसकी साइज 11.5 इंच to 16.5 इंच उसकी साइज है बेटा, है ना, लेंथ और ब्रिड्थ ध्यान में रखने का। अब हर्बेरियम शीट अगर हम बना रहे हैं तो देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो हर्बेरियम शीट यानी ड्राई बोटेनिकल गार्डन का इस्टेब्लिशमेंट, वो गार्डन बोल रहे, ये ड्राई शीट हो गई, ड्राई बोटेनिकल शीट को अपन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हर्बेरियम। यानी वो जिंदा गार्डन था और ये जो है नॉन लिविंग और ड्राई फॉर्म का गार्डन है, ये दोनों में ये फर्क है ना। तो उसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए। पहली इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या बताया अपन ने? कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। अपने को रूट को कलेक्ट करना है, रूट का ड्राई फॉर्म लेना है कि स्टेम का लेना है कि लीफ का लेना है, फ्लावर का लेना है कि सीड का लेना है कि फ्रूट का लेना है, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। है क्लियर ये बात? सो दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल बोलेंगे उसको अपन। सेकंड हम क्या बोल रहे हैं? ड्राइंग ऑफ प्लांट मटेरियल। तो ड्राइंग के लिए अपन जनरली कौन सा ड्राइंग यूज करते हैं? सनलाइट ड्राइंग यूज करते हैं, क्योंकि वो नेचुरलिटी को खोने नहीं देता प्लांट मटेरियल के, लीफ को या नेचुरलिटी को खोने नहीं देगा। अगर अपन ने दूसरे वे से अगर उसको समझो हीट दिया या ड्राई करने की टेम्परेचर देकर कोशिश करी तो अपनी नेचुरलिटी को क्या कर देगा? खो देगा। उसके बाद में प्रेसिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, प्रेस करना पड़ेगा उसको, ड्राई करने के बाद प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद में हम पॉइजनिंग करेंगे, यानी टॉक्सिक केमिकल का स्प्रे देंगे। अगर उस पर एक आधा लिविंग मटेरियल होगा तो मर जाना चाहिए, नहीं तो पूरा खाड़ा लेगा उसको मॉर्फोलॉजिकल पार्ट को। उसके बाद में हम माउंटिंग करेंगे उसको, उसके बाद में हम उसका स्टिचिंग करेंगे, स्टिच करेंगे उसको, उसके बाद में हम उसका लेबलिंग करेंगे, कब हमने मटेरियल कलेक्ट किया था, किसने कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, क्या कलेक्ट किया, कौन सा प्लांट है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, ये हम सब कुछ लेबलिंग करेंगे प्लांट मटेरियल का। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा, एंड देन प्रिजर्वेशन। सो दैट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन मेकिंग द हर्बेरियम शीट। ये हो गया प्लांट के बारे में। फिर अपन ने बताया नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड्स किसके बारे में बताया? जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में बताया। बताया मैंने जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। जूलॉजिकल पार्क में अपन वाइल्ड एनिमल्स को ग्रो कर रहे, लेकिन उसके लिए अपने को नेचुरल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, है ना। मतलब हम हमारे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते कोई भी एनिमल को, है ना। इतने बड़े बड़े अगर एनिमल्स अपन रख रहे हैं वहाँ पर, तो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट अपन जब देंगे तभी तो वो रह पाएगा ना। अगर उसको अपन आर्टिफिशियल रखेंगे तो वो नहीं रह पाएगा, है ना। जैसा अपन अपने पिंजरे में तोते को रखते, लेकिन वो खुश रहता क्या? नहीं, वो नाराज रहता, वो बोल नहीं पा रहा बेचारा, लेकिन उसके लिए वो सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं ना। अपन बोल रहे मैंने बहुत अच्छा रखा उसको, काय का अच्छा रखा उसको, तुमने पकड़ दिया ना, वो जंगल में अच्छा था, वो खेत में अच्छा लगता, वो ओपन एयर में ही अच्छा लगता। उसके यदि अपन ने पिंजरे में रखा ना, अपन बोल रहे हो खुश है, ये गलत है ना। तो उस तरीके से अपने को नेचुरल इन्वायरमेंट वहाँ पर देना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म को,
कोई भी एनिमल को देना पड़ेगा, फिर वो खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, ज़्यादा साल जिएगा, नहीं तो उसकी लाइफ ऐसी कम हो जाती। और उसकी लाइफ स्पैन भी बहुत है, जैसा पैरोट की लाइफ स्पैन कितनी रही थी, 150 साल, 10-15 साल रही थी। जल्दी बताओ, लाइफ स्पैन का एक टेबल दिया है, रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर देखो, जाओ पीछे, 12th में हो, 11th में नहीं ना, हाँ, लाइफ स्पैन दिया, पैरोट की लाइफ स्पैन कितनी रही थी देखना, मतलब उनकी लाइफ स्पैन जो है वो नेचुरल में कितनी रही थी, 10-15 साल होगी, नेचुरल में कितनी रही थी, और उससे हाफ हो जाती। तो अगर हमने नेचुरल उसको सुटेबल इन्वायरमेंट दिए तो हम उसका अच्छे से स्टडी कर सकते, क्योंकि हमारा पर्पज क्या है, स्टडी करना। स्टडी हमको यदि डिटेल वे से करने का है तो उसको हमको अच्छे से रखना पड़ेगा। एक आधी चीज अपने को मिल गई लेकिन अपने को रखते नहीं आ रही, तो कोई भी लिविंग फॉर्म को अपन प्रिजर्व नहीं कर सकते। आज सोचो, इतने सारे प्लांट लगाए गए थे पहले, इतने सारे एनिमल्स थे, आज वो क्यों एक्सटिंक्ट होते जा रहे, एंडेंजर्ड में जा रहे, रेड डाटा बुक में उनको क्यों इंक्लूड किया जा रहा, क्योंकि वी आर नॉट प्रिजर्विंग देम, वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, दैट इज द रीजन दे आर लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक, दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज, दे आर इन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना, आज वो जाने के वे पर है। पहले कितने टाइगर थे, कितने बर्ड थे, कितने इंसेक्ट थे, और ये सब इकोसिस्टम में महत्व के है। अपन अगर उनको किल कर रहे तो इसका मतलब भविष्य में अपने को प्रॉब्लम झेलना है। वायरसेस का होस्ट पहले मोनेरा था, बैक्टीरिया था, फिर प्रोटिस्टा था, फिर फंजाई था, फिर प्लांटाई था, अपने सबको बीच वाले को मार डाले। अब वो वायरस डायरेक्ट अपने को मार रहा, उसने अपने को होस्ट बना लिया। जंगल अब नहीं रहेंगे तो जंगल में जो खाने जाने वाले थे वो आदमी को जाकर खाएंगे। शेर आज आदमी को खा रहा, पहले ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था, अभी रोज पेपर में दिखता, एक शेर आया और उसने एक को उठा के लेके गया, रोज एक एक लेके जा रहा हो। कल अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये सारे वायरस, सारे फंजाई, सारे बैक्टीरिया, इन्होंने दोस्ती मिला ली, देखते ये ह्यूमन कैसा रहता, ज़्यादा होशियार बन रहा, मैनेजर बनाया था भगवान ने अपने को मैनेजर बनाया तो मैनेज करने के लिए बनाया। अपने को आ गया अहंकार, वो अहंकार अपने को लेके डूबने वाला है। मतलब हमारा कहना क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, व्हाई यू आर गोइंग टू स्टडी दिस, प्रिजर्व द नेचर, प्रिजर्व द नेचर, नेचर के बारे में हमको प्यार होना चाहिए, बिकॉज वी आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ नेचर, वी आर नॉट होलसेल नेचर, हम अपने आप को ही नेचर से बड़ा समझने लग गए। वी आर द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में 5 पार्ट है, मैंने पहले बताया था पहले लेक्चर में, सन, एटमोस्फियर, वाटर, सॉइल और जीवाश्म, जीवाश्म पृथ्वी, वायु, पानी और अग्नि। अपने को बाकी के लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। आज देखो ना टेम्परेचर कितना लग रहा, इतना टेम्परेचर मैंने भी नहीं देखा था अभी तक, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसके बारे में सोचना अपने को बहुत जरूरी है, इन्वायरमेंट के बारे में ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि अपन ने कट कर डाले ट्रीज को, नोबडी, यानी हमारे में से कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड नहीं ना ट्रीज को लगाने में, क्योंकि हमको जब तक ये नहीं बात पता चलेंगे कि हम मरने वाले रहा कि बोला कि पटकन सावधान हो जाते अपन। तो डॉक्टर ने बोला कल तुम मरने वाले है, तो अभी अपन बेड पर जाना, ऑपरेशन मेरा अभी करो, बोलते कितने रुपए होना है ले ना तुम बोलते कि नहीं क्यों, क्योंकि बात अपनी डायरेक्ट अब यहां पर जा गई। ह्यूमन ने इतना ज्यादा वो कर रहा है, अब उसके बात आ गई जान के, अब बोलता नहीं नहीं नेचर बहुत अच्छा है, नेचर को मैं प्रिजर्व करूं। कोरोना के बाद में कितने विचार बदल गए अपने, मस्त प्लांट लगा रहे तुम, प्लांट की तरफ जाके देखते, एनिमल से प्यार करने लग गए, गैया को जाके कुछ खिला रहे, पहले तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था मेरे को तुम्हारे में, तुम्हारा चित्र नहीं दिखता था वैसा, विचित्र लगते थे तुम, अब बराबर आ गए तुम जगह पर, है ना। तो ये मिस प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज अ टैक्सोनॉमिक एड्स हमको ये मैसेज देता है, वी हैव टू प्रिजर्व द नेचर। क्लियर हो गया, सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ गया बेटा। उसके बाद में बायोलॉजिकल म्यूजियम मैंने लास्ट में बताया था,
कि प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज को अपन एक ग्लास जार में प्रिजर्व करके रख रहे हैं, है ना। उसका स्टिचिंग भी किया जाता है ना। जो बर्ड्स एंड मैमल्स जो है उसको भी अपन प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आप देखना कहीं पर भी स्केलेटन को भी आप देख सकते हो प्रिजर्व कर रहे, बर्ड को प्रिजर्व कर रहे, डिफरेंट मैमल्स को प्रिजर्व कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल म्यूजियम। लेकिन वो टेक्निक बराबर होना, नहीं तो फिर वो बहुत महंगा है प्रिजर्वेशन टेक्निक। उसमें अपन प्रिजर्वेटिव लिक्विड यूज कर रहे, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेलिन या फॉर्मल्डिहाइड, हम जिसको बोलेंगे फॉर्मेलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड, और एसिडिक अल्कोहल नाम के जो केमिकल कंपाउंड है इसमें अपन प्रिजर्व करते, क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म को उस पर अटैक नहीं होने देती, इसलिए उसको उसमें वो यूज किया जाता है। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक एड्स। अबाउट दी एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, अपन ने देखा था कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सम टर्मिनोलॉजी देखे थे, टैक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक्स, है ना, और क्लासिफिकेशन, ठीक है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको अपन ने कैटेगरी भी बोला है, किंगडम मैंने क्या, डिवीजन और फाइलम मैंने क्या, क्लास मैंने क्या, सब क्लास मैंने क्या, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। इसमें से किंगडम को बोला अपन ने हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड स्पेसीज को हम बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कि किंगडम के ऊपर भी एक कैटेगरी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन, है ना, और इस स्पीसीज के नीचे भी एक कैटेगरी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज वेराइटी, है ना, और उसको हम ब्रीड बोलते हैं, वेराइटी और ब्रीड बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना, कि एखादे प्लांट या एखादे एनिमल्स को अगर अपने को साइंटिफिकली क्लासीफाई करने का रहा, है ना, बोटेनिकली एंड जूलॉजिकली क्लासीफाई करने का रहा, तो अपन जनरली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ये प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए रूल्स उनके फॉलो करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनका यदि हमको नॉमेनक्लेचर करना है या क्लासिफिकेशन करना है तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इनके रूल्स को अपन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अपन दो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, एक प्लांट का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, चाइना रोज इज अ फ्लावर, और एनिमल्स का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोबरा इज अ स्नेक, ठीक है। तो ये जो है ये कैटेगरी बताया अपन ने, यहाँ पर अपन चाइना रोज के बारे में बताएंगे, इसका कैटेगरी कौन कौन से कैटेगरीज का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, और ये एनिमल्स के बारे में बताएंगे। तो चाइना रोज को जिसको अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं, या उसका जो नाम है चाइना रोज, या उसका अगर हम बोटेनिकल नाम देना चाहेंगे तो हिबिस्कस रोजा सिनेसिस, ठीक है, सिनेसिस। और अगर कोबरा स्नेक का अगर अपन नाम देना चाहेंगे तो यहाँ पर देंगे नाजा नाजा, ठीक है। तो ये है, तो अपन किसी को कैसा भी नाम नहीं दे सकते, है ना, किसी को अपन कैसा भी नाम नहीं दे सकते, नाम देने के पीछे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता। तो हमने बताया कि चाइना रोज को अपन प्लांट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देर आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और अपन जो है कोबरा स्नेक को एनिमल या किंगडम में क्यों डाला, बिकॉज देर आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, ठीक है। सेकंड कैटेगरी अपन ने यहाँ पर लिखा है डिवीजन और फाइलम। तो प्लांट के लिए अपन डिवीजन बताते हैं एंजियोस्पर्माई, एंजियोस्पर्माई, और यहाँ पर अपन टैक्सोन के लिए बताते हैं कोऑर्डाटा। जैसा इसको एंजियोस्पर्म क्यों बोला, क्योंकि एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन अपन उस दिन बताई थी, क्या बताई थी एंजियोस्पर्म डेफिनेशन, देखना नहीं पीछे, देखकर तो पांचवी का लड़का भी बताता, देख के क्या फ़ायदा, पढ़ाने के बाद में आने को ना अपने को, हाँ, एंजियोस्पर्माई प्लांट ग्रुप उस दिन लिया था ना मैंने, प्लांट किंगडम को दो इसमें क्लासिफाई किया था, एक क्रिप्टोगैम्स और एक फैनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में मैंने तीन बताया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और फैनेरोगैम्स को मैंने दो इसमें क्लासिफाई किया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो मुझे बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट ग्रुप्स इन विच सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट। अपन कोऑर्डिनेट है,
हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, टेल इज प्रेजेंट, फोर लिम्स आर प्रेजेंट, स्पाइनल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, इसलिए उसको कोर डाटा बोलते हैं। यानी यहाँ अपन हर बात जो लिख रहे हैं, बैठिए बेटा, यहाँ अपन हर बात जो लिख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। अब इधर अपन ने लिखा क्लास, यहाँ क्या लिखा है डायकॉटिलेडोनी, यहाँ क्या लिखा है बेटा अपन रेप्टिले, डायकॉटिलेडोन यानी क्या दो कॉटिलेडोन रहते करके वर्ड आया। सिंपल सी बात, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग निकलेगा, रेप्टिलिया स्क्रैवलिंग मोमेंट, इसलिए उसको अपन रेप्टिलिया बोल रहे हैं। सब क्लास पॉलीपेटेलिया, मेनी पेटल्स रहते पॉलीपेटेलिया, डायप्सिडा इसका भी कोई ना कोई मीनिंग होगा। सीरीज है थैलेमी फ्लोराई, यहाँ कोई सीरीज नहीं है। मेलवेल्स फैमिली रहते, एंजियोस्पर्म में कई फैमिली आते, सोलानिसिया, मेलवेल्स, लेगुमिनासिया है ना, बहुत सारे कैक्टेसिया, बहुत सारे कुकुरबिटासियाई, बहुत सारे 30-40 फैमिली में से ये वो फैमिली में आता, ये स्क्वामाटा में आता, ये ऑर्डर है, ये फैमिली है मेलवेसियाई, इलेपिडाई, इसके मीनिंग है हर एक के ध्यान रखना, अपने को मीनिंग नहीं, अपन सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे लेकिन उसका मीनिंग है कहीं ना कहीं। हिबिस्कस, नाजा, रोजासिनेंसिस, यहाँ पर अपन नाजा बोल। अब साइंटिफिक नाम लिखे अपन ने, पहला नाम किसका लिखते बेटा अपन, जीनस का नाम, जीनस का नाम क्या था चाइना रोज का हिबिस्कस, और स्पीशीज का नाम क्या था रोजासिनेंसिस, इसलिए नाम हो गया हिबिस्कस रोजासिनेंसिस। नाजा, नाजा, नाजा पहला वर्ड जो रहता जीनस का वो कैपिटल लिखने का पहला लेटर, स्पीशीज का कैसा लिखने का बेटा स्मॉल लिखने का। यहाँ पर अपन जीनस का पहला लेटर कैसा लिख रहे कैपिटल, और स्पीशीज का पहला लेटर कैसा लिख रहे स्मॉल। देर आर सम रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते, कैरोलस लिनाइस ने इसको पुट फोर्थ किया, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनाइस, बताऊंगा मैं बाद में, उसने ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल दिए कि कैसा लिखने का नाम, उसका रूल और उसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव एम्स, और हम बोलेंगे दैट इज अ एम्स बोलो, ऑब्जेक्टिव्स बोलो, कि हम क्लासिफिकेशन हमने क्यों पढ़ना चाहिए, या क्लासिफिकेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला इम्पोर्टेंस है टू स्टडी द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बास्केट में मैंने 5 टाइप के फ्रूट डाल दिए, आपने 5 टाइप के फ्रूट अलग अलग निकाले, सो आपको क्या पता चला, बनाना बनाना अलग अलग निकालो, ग्रेप को अलग निकालो, एप्पल को अलग निकालो, पाइनएप्पल को अलग निकालो, है ना, मैंगो को अलग निकालो, क्योंकि आपको सिमिलर सिमिलर दिख रहे हो। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू स्टडी द सिमिलर कैरेक्टर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अपन ने अलग अलग कर रहे अपन, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर, टू स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अब क्लासिफिकेशन में अपन ने क्या किया, किंगडम मोनेरा को पहले रखा, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर फंजाय प्लांटाई और एनिमेलिया आए, मतलब इनका इवोल्यूशनरी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है, पहले कौन आया इसलिए उसको पहले रखा, बाद में कौन आया प्रोटिस्टा आया इसलिए उसको दूसरे नंबर पर रखा, बाद में लगातार तीनों भी आए फंजाय प्लांटाई और एनिमेलिया इसलिए उनको बाद में रखा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, वास्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, अगर अपन ने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, अपने को मालूम नहीं रहा, तो अपन इतने ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर पाएंगे क्या, नहीं। तो चौथा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और पांचवा ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द हेल्प है ना इन रिसर्च वर्क, जैसे कहा देखो रिसर्च करना है, हिबिस्कस पर अगर रिसर्च करना है तो उसको ये पता होना हिबिस्कस की किंगडम कौन था, फायर डिवीजन कौन था, क्लास कौन था,
सब क्लास कौन सा, सीरीज कौन सा, ऑर्डर कौन सा, फैमिली कौन सा, जीनस कौन सी, स्पेसिस कौन सी, फिर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स बना पाएंगे उसके, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बना पाएंगे. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो हिबिस्कस के रहेंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो हिबिस्कस के रहेंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे हिबिस्कस, यानी हजारों कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वजह से दे सकते हैं, पुट फॉर कर सकते. तो नेक्स्ट लिखो, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब कभी कभी क्या दे देता, नीट में वर्ड वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना देते, वह टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव पूछता या सिस्टमैटिक्स के ऑब्जेक्टिव पूछता, सेम है, ध्यान रखने का. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलो, नहीं तो टैक्सोनॉमी ब्रांच के बोलो, नहीं तो सिस्टमैटिक्स के बोलो. नंबर फर्स्ट लिखने का, टू स्टडी द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, टू स्टडी द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडरलाइन करो, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. सेकंड लिखते हैं, सेकंड मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, सिमिलर की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डिफरेंट, अंडरलाइन करो. सेकंड, टू स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. नाउ थर्ड, टू स्टडी दी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, टू स्टडी दी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी दी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी यानी डेवलपमेंटल रिलेशनशिप, हाँ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. चौथा, टू स्टडी दी वास्ट वेराइटी, वास्ट VAST, वास्ट वेराइटी VARIETY, टू स्टडी दी वास्ट वेराइटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम. और पांचवा, टू स्टडी द वेरियस ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी द वेरियस ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू, टू स्टडी द वेरियस ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी द वेरियस ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल कॉमा एनाटॉमिकल कॉमा फिजियोलॉजिकल कॉमा सेलुलर एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स सिस्टेमैटिकली, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में सिस्टेमैटिकली, समझा बेटा. सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अगर अपने को मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, सेल बायोलॉजी पढ़ना है, फंक्शनल बायोलॉजी पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें पता होने चाहिए. ये सिस्टमैटिक स्टडी करने की वजह से होता. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब नेक्स्ट हेडिंग डाल, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण,
दो नाम दे रहे अपन, इसलिए बायनोमियल वर्ड आया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसमें पहला पॉइंट लिखना, इट वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनेइस, स्पेलिंग बराबर लिखो बेटा, CAROLUS, कैरोलस, CAROLUS, कैरोलस लिनेइस, LINAEUS, कैरोलस लिनेइस। सो ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, सो ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हेडिंग डालने का, रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसमें लिखने का, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। समझा इतना यहां तक? समझा सभी को? अब अपन जब क्वेश्चन पर जाएंगे तो नए नए इंफॉर्मेशन अपने को मिलेंगे, एंड दैट इज आवर नोट्स। ये तो एक नोट्स बन गई अपनी थ्योरी की, लेकिन अब अपन जब क्वेश्चन पर जाएंगे तो अपने को नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो नए नए आएंगे, उसमें नए नए पॉइंट्स आएंगे। चलो यहां पर क्वेश्चन है, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्रुप ऑफ डाइवर्सिटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछला पार्ट का क्वेश्चन है, कौनता है ग्रुप ऑफ डाइवर्सिटीज, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। ध्यान रखना ये ही बराबर है, एज बराबर है, ये लिख के रखना है पॉइंट। फॉर व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिटी इज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है? इन लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज, यानी इसका मतलब यह है अगर अपने को कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है तो अपने को रिसर्च लेबोरेटरी भी लगती और फील्ड वर्क भी लगता, तभी अपन कर पाते हैं। क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिटी एंड इंटर रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन स्टडीज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी एंड बायो रिसोर्स नॉलेज टू स्टडी फ्यूचर ऑफ लिविंग बींग। ऑल ऑफ दी अबो, डी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सोर्स फॉर स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी पहली स्टेप कौन सी है पूछ रहा हो, सोर्स क्या है, सोर्स यानी पहली स्टेप। वॉट इज द यूज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस जोग्राफिकल एरिया, क्या है यूज ऑफ क्लासिफिकेशन, कई ज्योग्राफिकल एरिया यानी कई भौगोलिक एरिया का क्लासिफिकेशन में अपन यूज करते, सो व्हाट इज द यूज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल एरिया, टू प्रिपेयर एनिमल ग्रुप्स एंड कैन प्रिपेयर प्लांट ग्रुप्स, मैप बनाने के लिए नहीं।
मैप के लिए गाय को, मैप के लिए गाय को अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पर गाय को जाना पड़ता है। हाँ, बोथ बी एंड सी। फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंजर्वेशन प्रोग्राम कैन बी अरेंज बाय क्लासिफिकेशन, मतलब आज के समय में अपन प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात क्यों करते, क्योंकि वो एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्शन प्रोन ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं, इसलिए ए इज द आंसर है बराबर। प्लांट स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड इन, कहाँ कलेक्टेड करते अपन, बोटेनिकल गार्डन। प्लांट स्पेसिमेंस आर कलेक्टेड इन बोल रहा हो, प्लांट म्यूजियम ध्यान में रखने का, बोटेनिकल गार्डन में नहीं, वहां तो ग्रो कर रहे हैं अपन, कलेक्शन अलग है ग्रोइंग अलग है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्लांट स्पेसिमेन कलेक्शन बताओ, सी पहले कलेक्शन कर रहे फिर ड्राइंग कर रहे प्रेसिंग कर रहे पॉइजिंग कर रहे एंड वाइटिंग, बराबर है सी बराबर है। विच पेपर इज यूज टू ड्राई प्लांट स्पेसिमन, हाँ ब्लॉटिंग पेपर, वेरी गुड। व्हाट इज पॉइजनिंग टू स्प्रिंकल स्पेशल केमिकल, सी है। विच ट्रीटमेंट इज यूज टू प्रिजर्व ड्राई प्लांट स्पेसिमेन बाय स्पेशल केमिकल, प्रिजर्व ड्राई प्लांट स्पेसिमेन के लिए ट्रीटमेंट कौन सा दे रहा है, फ्यूमिगेशन बोलते हैं उसको, ध्यान में रखना है नया पॉइंट है फ्यूमिगेशन। व्हाट इज फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन लिख लो इज द ट्रीटमेंट यूज टू प्रिजर्व ड्राई प्लांट स्पेसिमेन, फ्यूमिगेशन इज द ट्रीटमेंट, फ्यूमिगेशन इज द ट्रीटमेंट यूज टू प्रिजर्व ड्राई प्लांट स्पेसिमेंस, यूज टू प्रिजर्व ड्राई प्लांट स्पेसिमेंस बाय स्पेशल केमिकल, बस फ्यूमिगेशन वर्ड डाल देने का वहाँ ट्रीटमेंट के आगे होगी उसकी डेफिनेशन। टू माउंट प्लांट स्पेसिमेन ऑन अ स्पेसिफिक साइज ऑफ शीट इज नोन एज हर्बेरियम शीट, विच प्रोसेस इज डन टू प्रोटेक्ट हर्बेरियम शीट फ्रॉम फंजाई इंसेक्ट एंड ह्यूमिडिटी, इससे बचाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, टू पुट नैप्थेलिन बॉल्स ध्यान में रखना, अगेंस्ट विच फैक्टर फ्यूमिगेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, कौन कौन से फैक्टर से प्रोटेक्शन करवाता, फंजाई इंसेक्ट एंड ह्यूमिडिटी, अंडरलाइन करो बराबर, डी इज द आंसर। वेयर कैन वी लेबल ऑन हर्बेरियम शीट, कहां पर लेबलिंग करते अपन, लोअर राइट में पूछा गया सवाल है, ये सवाल एम एस सी टी या नीट में आ सकता बेटा, लोअर राइट हैंड साइड पर अपन हर्बेरियम शीट के लेबलिंग करते हैं। व्हाट इज यूजफुल फॉर इकोनॉमिकल एंड इथेनोबोटेनिकल इंफॉर्मेशन, क्या जरूरी है हर्बेरियम। व्हाट प्रोवाइड्स की फॉर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, व्हाट प्रोवाइड्स की फॉर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम हर्बेरियम। वेयर द म्यूजियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड, कहां पर है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू कहां आता, क्यू यूक्रेन में आता क्या, नाम सुना था ना मैंने क्यू नहीं क्या, देखो ध्यान रखना कहां आता। वेयर इज द हर्बेरियम फॉर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कहां पर है ये डेहराडून। लोकेशन ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहां है, पेरिस। विच फेमस म्यूजियम इज लोकेटेड इन कोलकाता इंडिया, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। लोकेशन ऑफ हर्बेरियम डी बड़ोदरा गुजरात, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में वहां पर हर्बेरियम डेवलप करे बोलते उन्होंने। व्हाट इज हेल्पफुल टू गेट अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर वेरीफाइंग एंड आइडेंटिफाइंग न्यूली कलेक्टेड प्लांट स्पेसीज हर्बेरियम। वेयर कैन वी स्टडी रेयर प्लांट स्पेसीज नॉट अवेलेबल इन आवर एरिया हर्बेरियम,
मतलब हर्बेरियम पर क्वेश्चन आता, हर्बेरियम पर क्वेश्चन आना चाहिए बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर बोटेनिकल गार्डन? प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक पार्क एंड गार्डन, बोथ ए एंड बी। वेयर कैन वी कल्टिवेट मेडिसिनल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंड रेयर प्लांट? बोटेनिकल गार्डन। विच मेथड इज यूज टू कल्टिवेट रेयर प्लांट? रेयर प्लांट को यदि कल्टिवेट करने का रहा तो कौन सी मेथड यूज करते? कॉन्जर्वेटरी। ध्यान में रखना है, पॉइंट लिख के रखना, कॉन्जर्वेटरी इज द मेथड यूज टू कल्टिवेट रेयर प्लांट प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ग्रो प्लांट ऑफ अदर प्लेसेस बाय क्रिएटिंग नेसेसरी कॉन्वीनियंट इन्वायरमेंट? ग्रीन हाउस एंड कैक्टस हाउस, फर्नरी एंड ऑर्चिडियम, ग्लास हाउस एंड कॉन्जर्वेटरी, ऑल ऑफ द अबो इज द आंसर। विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस? इसमें से आपको कौन सा ब्यूटीफुल लगता बताओ? बोटेनिकल गार्डन लगेगा, क्योंकि फ्लावर, तुम फ्लावर देते ना एक दूसरे को, कोई रेड देता, कोई येलो देता, कोई कुछ देता, तो फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, सो बोटेनिकल गार्डन। देखने के बाद अच्छा लगता फ्लावर को अपने को, मतलब जीने बर्थ होने पर भी फ्लावर लेके जाके देते, मरने के साथ भी फ्लावर ही देते अपन, तो प्लांट मॉर्फोलॉजिकल पार्ट इज यूज। इन विच सिटी, सॉरी, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्रेट बनियन ट्री? कहाँ पर है सबसे बड़ा बनियन ट्री वर्ल्ड का? ये आ सकता क्वेश्चन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। हाँ, ध्यान रखना, सबसे बड़ा वर्ल्ड का बनियन ट्री है, जाके देखना पड़ेगा कितना बड़ा है। तो मैंने वर्धा के तो देखा, इधर के भी देखा, विदर्भ के, पर ये नहीं देखा। इन विच सिटी द ग्रेट बनियन ट्री इज प्रेजेंट? वो बनियन ट्री, ये भाई बनियन ट्री बोल रहा, कौन सा? पर कैसा क्या होगा ऐसा? शिवपुर में बोल रहा है, मतलब ये ऐसा ओपन फील्ड में होगा, ये ध्यान में रखना। मतलब ओपन फील्ड में बनियन ट्री पूछा तो शिवपुर आंसर देना, और उधर इंस्टीट्यूट पूछा तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन। कलकत्ता अगर दिया तो कलकत्ता लिखना, ये तो शिवपुर नहीं देगा, वो दोनों में से एक देगा लोकेशन, एक तो कलकत्ता देगा नहीं तो शिवपुर देगा, ये तो इंस्टीट्यूट का नाम देगा, इंस्टीट्यूट का देगा तो कलकत्ता नहीं देगा, इंस्टीट्यूट का नाम देगा, ठीक है। ईच प्लांट स्पीसीज इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स फैमिली, साइंटिफिक नेम एंड लोकेशन। किसके लिए किया जाता है सब कुछ? सेल्फ इंडिकेशन इज बेटर, हाँ, अपने खुद के इंफॉर्मेशन के लिए सब जरूरी है। इन विच फील्ड प्लांट प्रेजेंट इन बोटेनिकल गार्डन्स आर यूज? सभी फील्ड में यूज होता, ऑल ऑफ दी अबो। फॉर व्हाट रीजन इंपॉर्टेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज बीइंग इंक्रीज डे बाय डे? क्यों बढ़ते जा रहा है? फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म। ए, विच ब्रांच इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू पब्लिक बाय बोटेनिकल गार्डन? हाँ, दोनों भी, ए एंड बी, ठीक है। व्हाट इज इथियानो गैलरी? स्केलेटल गैलरी, मैमिलियन गैलरी, फॉसिल गैलरी, इथियानो गैलरी, वो मैमिलियन गैलरी, क्योंकि मैमल्स में आता ना ह्यूमन, इसलिए आंसर है बी, करेक्ट करो उसको। व्हाट आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जूलॉजिकल म्यूजियम? लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, सुपर विजनर्स होम, ऑल द अबव। हाँ, ऑल द अबव, सभी रहता उसमें। हु वर्क्स अंडर सी जेड ए? सी जेड ए का लॉन्ग फॉर्म क्या हो रहा? सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो जू बोले तो जूलॉजिकल पार्क, उसके अंडर वर्क करेगा ना कोई भी, इसको एक सेंट्रल अथॉरिटी रहती है। जूलॉजिकल पार्क को जो सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी उसको अपन बोलेंगे सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिया ऑफ जूलॉजिकल पार्क? इंसेक्ट हाउस, नॉक्टर्नल हाउस, नन ऑफ द अबो, स्केलेटल हाउस। ये जो है जूलॉजिकल पार्क का नहीं ना, क्योंकि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग वाला नहीं, लिविंग वाले,
इसलिए आंसर है उसका बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, एसर्शन एंड रीजन। तो ए बी सी और डी, इसके बारे में मैंने बताया था पीछे, है ना। ए है स्टेटमेंट, बी वाला जो है ये दो स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे, एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, एक रीजन दिया हुआ रहेगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है। पहला ए स्टेटमेंट रहेगा, आर रीजन वाला रहेगा, ठीक है। ए आर दिया हुआ है, अब अगर दोनों करेक्ट है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, तो ऑप्शन ए लिखेंगे आप। दोनों करेक्ट है लेकिन आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आप बी ऑप्शन लिखेंगे। ए बराबर है लेकिन अगर आर गलत है तो आप सी लिखेंगे, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है तो। और अगर ए रॉन्ग है और आर अगर ट्रू है तो आप डी लिखोगे। तो देखो पहला स्टेटमेंट है, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेलिटीज, बराबर है क्या ये स्टेटमेंट? यस ट्रू, ट्रू है। अब रीजन बताया, देर आर स्पेसिफिक मेथड टू स्टोर प्लांट स्पेसिमेन इन हर्बेरियम, बराबर है लेकिन पहले का रीजन नहीं ना ये, है ना। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, सो व्हाट इज योर आंसर? बी। समझा सभी को? स्पेसिफिक मेथड्स लाइक ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन आर यूज इन हर्बेरियम, नहीं है, रॉन्ग है, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स वाला देखने का। हर्बेरियम प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर वेरीफाइंग एंड आइडेंटिफाइंग न्यूली कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, ट्रू है ये, आंसर इज डी। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, और पहले और दूसरे का कोई रीजन वाला लेना देना नहीं ना स्टेटमेंट का, इसलिए ऑप्शन इज डी। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। स्टेटमेंट है, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन इन बोटेनिकल गार्डन, बराबर है क्या? यस, ग्रोइंग करते अपन। बोटेनिकल गार्डन प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क, ट्रू है, दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन पहले का दूसरे से लेना देना नहीं ना, सो व्हाट इज योर आंसर? नहीं है, नहीं है, रिसर्च अलग हो गया, ग्रोइंग अलग हो गया, है ना। तो आंसर क्या है? अपन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को ग्रो कर सकते, लेकिन ग्रो कर सकते अगर रिसर्च करेंगे तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आंसर उसने ये दिया था, यानी दोनों स्टेटमेंट बराबर है और ए स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन बी है, इसलिए आंसर ए ही लिखना पड़ेगा अपने को। अगर रिसर्च करेंगे तो अपन कोई भी ग्रो कर सकते हैं ना, रिसर्च नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते ग्रो, ऐसा उसका मीनिंग है, इसलिए उसने आंसर ए दिया, यानी आंसर ए बराबर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बता रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक पार्क एंड गार्डन्स, यस ट्रू, प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन इन बोटेनिकल गार्डन, ट्रू, दोनों भी ट्रू है, लेकिन बी का पहले से कुछ रीजन है, ये है क्या, है क्या कुछ, क्यों डिफरेंट है वो पब्लिक पार्क और गार्डन से? बिकॉज प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन इन बोटेनिकल गार्डन, इसलिए आंसर इज ए, यही बराबर है, ठीक है, ध्यान में रखना। पहला ए और बीच कठिन है, उसको पहचाना पड़ता बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बेरियम प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर टैक्सोनॉमिकल रिसर्च टू स्टूडेंट, ट्रू, हर्बेरियम प्रोवाइड्स की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका कोई लेना देना नहीं ना, सो बी इज द आंसर, है बराबर। मतलब हर्बेरियम अपने को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती किसके लिए? टैक्सोनॉमिकल रिसर्च के लिए, टू द स्टूडेंट। हर्बेरियम प्रोवाइड्स की भी प्रोवाइड करती फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन स्टेटमेंट का रीजन दूसरा स्टेटमेंट नहीं ना, ठीक है। द पर्पज ऑफ म्यूजियम इज टू इंक्रीज कल्चर्ड हेरिटेज, है बराबर, हाँ ट्रू है। द पर्पज ऑफ म्यूजियम इज टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, नहीं, फॉल्स है, बायोडाइवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं ना वहां पर, ठीक है। तो व्हाट इज योर आंसर? सी। अ लेबल ऑकर्स ऑन लोअर साइड ऑफ हर्बेरियम शीट, राइट साइड की लोअर साइड, राइट साइड, रॉन्ग है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट शोज साइंटिफिक नेम, फेमस नेम, फैमिली टी सी, ट्रू, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, सो व्हाट इज योर आंसर? डी है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट पेयर, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, कौन सा आएगा आंसर? ए है, ए,
चूज द करेक्ट पेयर, जूलॉजिकल पार्क दिए एंड प्लेसेस दिए, इसका बताओ आंसर, बी ए बी आंसर। चूज द करेक्ट पेयर, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, रानी जिजामाता जू, आंसर इज सी, 110 का सी। चूज द करेक्ट पेयर, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में तुम्हारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, क्योंकि एक मुंबई का उदाहरण है इसमें, ठीक है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और प्लेसेस, तीन कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। यस, ए है, क्यू इंग्लैंड में है ना, एंड रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, क्यू में है, 1% पहचान में आता है। एक करेक्ट पेयर, म्यूजियम और प्लेस, बताइए जल्दी। हाँ डी, चूज द करेक्ट पेयर, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, क्वेश्चन डी डी। करेक्ट पेयर, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, फ्यूमिगेशन मेथड, कॉन्जर्वेशन, इथेनो गैलरी और एक साइड टू कॉन्जर्वेशन ऑफ, डी डी बराबर है। चूज द करेक्ट पेयर, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, हाँ बी है आंसर, राइट। चूज द करेक्ट पेयर, क्वेश्चन ए, ए है ए, 116 का, ठीक है। मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, क्या है मोस्ट फेमस, कौन सा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड, सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन, कौन सा फंक्शन है बोटेनिकल गार्डन का इंपॉर्टेंट, एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म बैंक इज डन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्रिएटिंग कॉन्जर्व बायोस्पियर, सी ए। व्हाट इज इट नोन वेयर ड्राई प्लांट स्पेसिमेंस आर कंजर्व एंड स्टडीड, हर्बेरियम, है बराबर।